मीडियम पहुंचता है यहाँ पे जो मैकुलर डेंसा है, यहाँ पे कौन से रिसेप्टर है? सोडियम सेंसिंग रिसेप्टर है। कौन से रिसेप्टर है? सोडियम सेंसिंग रिसेप्टर। ये क्या करते हैं? ये सोडियम सेंसिंग रिसेप्टर यानी मैकुलर डेंसा में जो सोडियम सेंसिंग रिसेप्टर है, ये यहाँ के सोडियम को सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद ये यहाँ से कुछ, अगर इन लोगों को लगता है कि यहाँ पे सोडियम कम है तो यहाँ से रेनिन सेक्रेशन करवा देते हैं। कैसे कराते हैं? तो यहाँ से ये मैकुलर डेंसा सम केमिकल्स रिलीज करते हैं, एंड दैट केमिकल मे बी योर नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट केमिकल मे बी योर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर सेक्रेटेड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर सेक्रेटेड, एंड दिस सेक्रेशन ओके, हम रेड से बनाते हैं, दिस सेक्रेशन रीचेस योर जेजी सेल, एंड फ्रॉम जेजी सेल द रेनिन सेक्रेशन इंक्रीज्ड। रेनिन सेक्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो रैपिड अमाउंट ऑफ रेनिन स्टार्ट्स सेक्रेटिंग बाय द जेजी सेल, और यहाँ पे रेनिन का जो है मूवमेंट जो है क्या हो जाता है? अमाउंट बढ़ जाता है। और यहाँ पे रेनिन पहुंच चुका है, यहाँ पे क्या पहुंच चुका है? रेनिन पहुंच चुका है। तो दो कंडीशन, एक अगर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ऑटोमेटिकली जेजी सेल स्टार्ट सेक्रेटिंग रेनिन। सेकेंड ऑप्शन, अगर यहाँ पे फर्स्ट लूप ऑफ डीसीटी में अगर सोडियम कम हुआ तो देन मैकुलर डेंसा सेंसेस इट एंड स्टार्ट सेक्रेटिंग रेनिन। तो दो केस में रेनिन का सेक्रेशन होगा, और यहाँ पे रेनिन जो सेक्रेट होने के बाद ये पेरिटुबुलर कैपिलरी से होते हुए पेरिनल वेन्यूल के होते हुए ये पहुंच जाता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम में। जैसे ही ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम में पहुंचता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ऑलरेडी एंजियोटेंसिनोजेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंजियोटेंसिनोजेन प्रेजेंट है। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन प्रेजेंट है। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या होगा? It is converted into angiotensin one with the catalytic action of renin, R-E-N-I-N, renin. Not R-E-N-N, यहाँ पे रेनिन का स्पेलिंग R-E-N-I-N होगा। तो यहाँ पे रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? ओके, अब ये एंजियोटेंसिन वन क्या होगा? सो एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इंटू एंजियोटेंसिन वन एंड इट पासस इंटू लंग। सो ये कन्वर्जन कौन करता है? ये कन्वर्जन करता है रेनिन। ओके ओके, ये एंजियोटेंसिन वन पास करेगा कहां पे? लंग्स में। ये कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये लंग है। ठीक है, ये लंग्स, लंग का, लंग के अंदर हमें क्या पता है कि लंग के अंदर क्या होता है? लंग के अंदर होते हैं आपको एल्वियोलाई, है ना, कई सारे एल्वियोलाइज होते हैं। तो एक मान के चलिए कि एक एल्वियोलाई है। ठीक है, ये क्या है? एक एल्वियोलाई है। और यहां से आपको ब्रांचेस है, राइट। तो ये एक एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरी होंगे, और ये ब्लड कैपिलरी के पास क्या होंगे? एंडोथेलियल सेल होंगे।
ब्लड कैपिलरी के पास क्या है, एंडोथेलियल सेल है ना, ये क्या है, ये एंडोथेलियल सेल है, यानी एपिथेलियल है, एपिथेलियम है ना, एपिथेलियल सेल ही आपको ब्लड वेसल में एंडोथेलियम कहलाता है, यस और नो? यस। जैसे ही ब्लड आपका, ब्लड क्योंकि ब्लड क्या हुआ है, ब्लड यहां से ये ब्लड पास किया है, कहां, यहां पे आया है और ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये ब्लड पास करेगा लंग्स में, और लंग्स के जो एंडोथेलियल सेल होते हैं यहां पे एक एंजाइम बैठे रहते हैं इसके सरफेस के ऊपर, है ना, एक एंजाइम इसके सरफेस के ऊपर बैठे रहते हैं, और इसको हम कहेंगे एस, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एस क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेंगे, इस एंजियोटेंसिन 1 को, एस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगे, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, ओके, ऑल राइट। तो ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या है, एंजियोटेंसिन 2। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास मां है और हमारे पास हार्ट भी है, है ना, तो ये है हार्ट, ये क्या है, ये हार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये हार्ट है, और इस हार्ट के इस पर्टिकुलर एरिया से क्या निकलते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेसल निकलते हैं ना, पल्मोनरी वेसल, पल्मोनरी वेन निकलते हैं, उसके बाद यहां से एओर्टा निकलते हैं, यहां एंटर करते हैं आपके सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा का सेक्शन है, यहां से पल्मोनरी, मान के चलिए पल्मोनरी वेन एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और निकल रहा है यहां से एओर्टा, ठीक, एओर्टा निकल रहा है, तो हम इसको रेड से बनाते हैं, यहां से निकल रहा है आयोर्टा, ठीक है, आयोर्टा निकल रहा है, ओके, ये सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा, और फिर ये है आपका हार्ट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये वेन्स क्या होंगे, ये वेन्स जो है आपके वीना कावा वेन्स में कन्वर्ट होंगे, छोटे छोटे वेन्स में, फिर वेन्यूल में कन्वर्ट होंगे, फिर ये बनेंगे कैपिलरी, ठीक है, फिर क्या बनेंगे, कैपिलरी, सिमिलरली मान के चलिए कि एक और है यहाँ पे, एक और है यहां पे, एक और कैपिलरी बनाया, बनेंगे कैपिलरी यहां पे, आर्टरी, फुल आर्टरी, और फिर ये जाके मिक्स हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे आपके मेजर आर्टरी के साथ, तो यहां पे जो आर्टरी आए हैं ये है मस्कुलर आर्टरी और देन आर्टरियोल आते हैं, यहां पे इलास्टिक आर्टरी इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये आर्टरी है, और हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिलरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका कैपिलरी,
ठीक ओके नाउ ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका क्या काम है, तो ये एक वासो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है ये, क्या है ये, है वासो कंस्ट्रिक्टर। यानी इसका मतलब क्या है, वासो कंस्ट्रिक्टर का क्या मतलब है? वासो कंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि आपका जो ब्लड वेसल है, वासो मींस ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्टर मींस ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। सो वासो कंस्ट्रिक्टर मींस ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला वासो कंस्ट्रिक्टर कहलाता है। ठीक है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला क्या कहलाता है, वासो कंस्ट्रिक्टर कहलाता है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 एक वासो कंस्ट्रिक्टर है। ठीक है ओके 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 ऑल राइट, सही सही चल रहा है सब कुछ, यस। ये वासो कंस्ट्रिक्टर क्या करता है, ये वासो कंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल को यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो पहले मान के चलिए कि ये एंजियोटेंसिन 2 आता है और इस ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी यहाँ पे जो वेन्यूल है इसको कंस्ट्रिक्ट किया। ठीक है, वेन्यूल्स को क्या किया, कंस्ट्रिक्ट किया, तो ये वेन्यूल्स को आगे कंस्ट्रिक्ट किया। दूसरा, अगर ये मान के चलते हैं तो ये आर्ट्रियोल को भी कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ये इसको भी क्या किया, कंस्ट्रिक्ट किया, यानी इसको भी लॉक कर दिया। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, क्या है वो, तो पहला तो पॉइंट ये है कि सिस्टोल हम किसे कहते हैं, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। उसके बाद डायस्टोल किसको कहते हैं, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। आप हमें बताइए कि सिस्टोल हम किसको कहेंगे, तो सिस्टोल का सीधे सीधे मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सीधे सीधे मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का सीधे सीधे मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। जब हम लोग बीपी यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, जो लिखते हैं नोट करते हैं, तो सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यार इस मतलब कॉन्ट्रैक्शन बाई रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा आपने देखा होगा कि ऊपर का आंकड़ा ज्यादा होता है और नीचे का आंकड़ा कम होता है, क्यों, क्योंकि वी मेजर सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। इसको हम क्या करते हैं, सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक कर देते हैं। यानी सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mm ऑफ मर्करी, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है 80। क्यों डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन के वक्त प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन के वक्त प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो यहां पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स भी होगा। कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंजियोटेंसिन 2 आया यहां पे, ठीक है, इसको क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया, यानी इस वेन्यूल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया। तो जब वेन्यूल को यहाँ पे लॉक कर देता है तो ब्लड कैपिलरी के अंदर पास नहीं करता है, और जब कैपिलरी के अंदर पास नहीं करता है तो सिर्फ यहीं पे अक्यूमुलेट होने लगता है। जब यहाँ पे अक्यूमुलेट होता है तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ता है, और अल्टीमेटली जो यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड पास करेगा तो ये ब्लड का वॉल्यूम क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ये ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा। तो यहाँ पे जो ब्लड फिल होगा वो इंक्रीज ब्लड फिल होगा, नंबर वन इंक्रीज ब्लड फिल होगा, क्लियर है। अब जब इंक्रीज ब्लड फिल होगा, तो क्या होंगे, ये रिलैक्स होंगे, ये एक्सपांड होंगे, जब ये स्ट्रेच होंगे तो उस वक्त ये इसके वजह से स्ट्रेच हो रहे हैं, तो यहां पे जो स्ट्रेचिंग हो रहा है यानी ये रिलैक्स हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, ठीक है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। यहाँ पे ब्लड फिल होते भरते ही ये क्या होता है, ये एक्सपांड होता है, तो उस वक्त जो प्रेशर होता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। हमने क्या किया, डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा दिया। मान के चलिए कि यहाँ पे ब्लड लॉस हुआ था, तो आपका ये जो ब्लड का रेंज है ब्लड प्रेशर का, वो मे बी हो सकता है कि 50/30 हो गया हो, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, 50/30 वेरी वेरी क्रिटिकल ब्लड प्रेशर।
इस वक्त आपका जो ब्लड प्रेशर कम है, हमने क्या किया 30 को 50 में इंक्रीज किया और वो बना दिया 80। यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। सो डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। सिमिलरली ये एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे आर्टरीज को भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते ही अब यहाँ से ब्लड पास मूव नहीं करेगा इधर में, तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और आर्टरी में ब्लड वेसल इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। यहाँ से ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ मतलब यहाँ पे भरा ज्यादा, पल्मोनरी सर्कुलेशन से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड हुआ, ये भी एक्सपांड हुआ, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड यहाँ पे फिल हुआ। और जितना ज्यादा, क्योंकि हमने एक बात बताई थी, एक लॉ बताया था, द मोर यू स्ट्रेच द मोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, यस और नो, द मोर इट स्ट्रेच द मोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने बताया था ये बात, यस और नो। तो जब ये ज्यादा वॉल्यूम भरता है, ज्यादा स्ट्रेच होगा, उतना ही ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और उतने ही प्रेशर से ये क्या होगा, ब्लड जो है वो फॉल होगा और इस आर्टरी के अंदर आएगा। जैसे इस आर्टरी के अंदर ब्लड आता है, यहाँ पे पास नहीं करता, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है, यहाँ का प्रेशर भी बढ़ता है और सिस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और 50 से पहुंच जाता है 120 पर, या मान के चलिए कि थोड़ा और बहुत कम कर दिए हम लोग, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 60 और इसको हम कर देते हैं 90, ठीक है, और ये पहुंच गया आपका 120 और 80 पर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। ये यही नहीं रुकता है, जब अच्छा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट में आएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा ज्यादा फिल्ट्रेट होंगे, है ना, ज्यादा फिल्ट्रेट इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सोडियम भी यहाँ पे इनफ होगा, यहाँ पे रेनिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा। दिस इज वन वे। अब ये एंजियोटेंसिन 2 शांत नहीं बैठता है, ये एंजियोटेंसिन 2 बहुत ही उतावला रहता है चीजों के लिए। अब ये क्या करेगा, अब देखने वाली बात होगी, अब ये क्या कर सकता है, इसके पास क्या पावर है। तो इसके पास बहुत ही खास पावर होता है, और वो खास पावर क्या है, ये मूव करता है एंजियोटेंसिन 2, ये मूव करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। कहां पे जाता है, ये पहुंचता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास क्या होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, है ना, कॉर्टिकल सेल्स, जिसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या कहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं जहां पे जोना ग्लोमेरुलोसा होते हैं, ये जोना ग्लोमेरुलोसा क्या सेक्रेट करेंगे, तो ये सेक्रेट करते हैं बहुत ही अच्छा सा हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या है, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन सेक्रेटेड बाय द कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये सेक्रेट करते हैं एल्डोस्टेरोन, मूव करते हैं और आते हैं आपके डीसीटी के पास। कहां आते हैं, आते हैं आपके डीसीटी के पास। अब ये नोट कर लीजिएगा जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये भी नोट कर लीजिएगा, है ना। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और फिर हम